मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। कलाकार नहीं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। यही बात तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर मंत्री तक नहीं समझ पा रहे कि उनकी पार्टी की सांसद कंगना रनौत ये बात कब समझेंगी कि वो अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ओपिनियंस अपने नहीं पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। ये जगह मेरे लिए बहुत नई है, मैं एक नई सांसद हूँ, मगर मुझे इस बात का आभास है कि ये जो 18वीं लोकसभा है ये कोई सामान्य लोकसभा नहीं है। कंगना, ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने वाले छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी समझ में आता है कि पार्टी लाइन से अलग बयान नहीं देना है, तो फिर आपको कहाँ दिक्कत पेश आ रही है? अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन कितनी बार कंगना, आखिर कितनी बार आपके जो मन में आएगा आप बोल देंगी और फिर जब पार्टी नाराज होगी तो आप वीडियो बनाकर अपने शब्द वापस लेने आ जाएंगी? मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। आप ही बताइए, आपने कहाँ रखा गरिमा का ख्याल? और आपने सिर्फ एक बयान नहीं दिया है बल्कि जिस पार्टी से आप आती हैं उस बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आपने रायता फैला दिया है। रायता फैला किस बयान से? शुरुआत वहीं से करते हैं। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए। देख लीजिए कंगना मैडम का कॉन्फिडेंस। किसान कानून जैसे गंभीर मुद्दे पर बयान दे रही थी लेकिन हंसते हुए ये भी कह रही थी कि इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, मतलब जानबूझकर क्लेश शुरू किया। मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉस वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। तो क्या वो कृषि विशेषज्ञ हो गई हैं आप? उनको पहले तो ये तय करना चाहिए वो फिल्मी एक्ट्रेस हैं, वो राजनेता हैं या वो कृषि विशेषज्ञ हैं। अगर वो इतनी ही बड़ी कृषि विशेषज्ञ हैं तो फिर जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को हटा के फिर तो कंगना रनौत को ही कृषि मंत्री बना देना चाहिए फिर तो। ये वो किसान हैं जो पूरे एक साल तक कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और अब कंगना कह रही हैं कि किसानों को ही कानून को दोबारा लागू करने की मांग करनी चाहिए। और इस बयान के बाद सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसानों की ही आई है। हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि अपनी इस गैर जिम्मेवार सांसद के ऊपर लगाम लगाए, नहीं तो हम इसको मुंह की खानी पड़ेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।